कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसे ही आवश्यकता को पूरा करने के लिए हजारीबाग में साइकिल वाली सिंचाई मशीन का आविष्कार हुआ है, जिसे किसी वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि एक ग्रामीण ने बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। तन ढकने के लिए ढंग से कपड़े नहीं, घर में किसी तरह की संपन्नता नहीं और न ही कोई सुविधा, पर महेश मांझी की सोच किसी इंजीनियर से कम नहीं। हजारीबाग के महेश मांझी ने साइकिल वाली सिंचाई मशीन बनाई है, एक ऐसी मशीन जिसमें ना तो ईंधन की खपत होती है और ना ही बिजली लगती है। जब जरूरत पड़े तो पैडल मारो और पानी आपके खेतों तक पहुंच जाएगा। दिमाग में ऐसे लाइन वाला था, लाइन वाला वो मोटर जल गया। अच्छा, मोटर जल गया तो दिमाग लगाए कि नहीं चैन जोड़ दबाए तो आप साइकिल से चलेबे पैंडल मारेबे तो पानी निकल जाता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहने वाले महेश मांझी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। परिवार का भरण पोषण खेती पर ही निर्भर है। महेश मांझी के पास एक टुलू पंप था जो खराब हो गया। पैसे और संसाधन की कमी उनकी खेती में आड़े आ रही थी। ऐसे में पांचवी क्लास तक पढ़े महेश मांझी ने तकनीक का उपयोग कर साइकिल के पैडल से चलने वाली मशीन बना डाली। इस मशीन से वो अब अपने खेतों में पटवन कर लेते हैं। तेल बड़ी महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, डीजल भी महंगा हो गया है, तो अगर साइकिल के फिर भी लगा दल जाए, एगो गियर लग लिए है और छोटा चैन और साइकिल से पीछे चक्का से लंबा चैन जोड़ करके पानी चला रहा यार, पटावो ये आलू प्याज में बिलाते में। महेश मांझी के बेटे ने बताया कि उनके पिता ने कुछ सामान मंगवाया और ये मशीन बना ली, जिससे खेत में पटवन हो रहा है। अब ये लोग आलू प्याज टमाटर बैंगन की खेती कर पा रहे हैं। बहुत हमको बहुत खुशी लग गया, मेरा ससुर इतना दिमाग है ना, तो हम लोग उसका बेटा हो गए तो उसका मतलब हम लोग इसका दिमाग हम लोग ले लेंगे। जो इसका दिमाग था ना तो हम लोग ले लेंगे। अब इनसे भी बढ़ के कुछ नया पहल करने का तुम्हारा है? इनसे भी बढ़ के अगर ये वाला दिमाग ले लेंगे तो नया पहल और हम लोग भी कर सकते हैं। मानव जीवन का इतिहास बेहद ही दिलचस्प रहा है। इंसान को जब जब जरूरत पड़ी है वो अपने हिसाब से नए आविष्कार करता रहा है। महेश मांझी का ये आविष्कार कई किसानों के लिए मददगार साबित हो सकता है, वो भी ऐसे समय में जब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए हजारीबाग से आशीष की रिपोर्ट।